आगे बढ़ते हैं जबलपुर से खबर, जहां हनुमान जन्मोत्सव पर महालड्डू का भोग लगेगा। 1000 किलो के महालड्डू का भोग भगवान हनुमान को चढ़ाया जाएगा। गढ़ा के पचमटा मंदिर में ये महालड्डू तैयार किया गया है और इस महालड्डू को देखने के लिए भक्तों की भीड़ हर रोज पहुंच रही है। तस्वीरें देखिए, 1000 किलो का महालड्डू है ये, जो कि भगवान हनुमान को चढ़ाया जाएगा, प्रभु हनुमान को चढ़ाया जाएगा। ऐतिहासिक महत्व रखता है जबलपुर का पचमटा मंदिर। हर साल यहाँ पर विविध अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं और ये जो भोग लगाया जाएगा, आपको बता दें कि हनुमान जयंती पर ये महालड्डू का भोग लगाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव पर महालड्डू का भोग भगवान को चढ़ेगा। देखिए, हनुमान जन्मोत्सव से पहले इस महालड्डू को देखने के लिए श्रद्धालु हर रोज यहाँ पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। भोग लगाया जाएगा भगवान राम को, और देखिए जरा, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं हनुमान जी, और उन्हीं का नाम, प्रभु श्री राम का नाम इस महालड्डू पर लिखा गया है। यही भोग हनुमान जी को हनुमान जन्मोत्सव के दिन चढ़ाया जाएगा। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ वेंकटेश कुरी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, जबलपुर संवाददाता, सीधे उनके रुक करते हैं। सबसे पहले वेंकटेश, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि महालड्डू वहां रखा हुआ है, जिसे हनुमान जन्मोत्सव के दिन भगवान हनुमान जी को अर्पित किया जाएगा। और इस मंदिर के बारे में भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या कुछ इसका ऐतिहासिक महत्व है, क्या इसके पीछे की जो परंपराएं हैं वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल निश्चित तौर पर जया, मैं आपको बता दूं कि ये जबलपुर का उपनगरीय क्षेत्र गढ़ा इलाका कहलाता है, जहां पचमटा मंदिर स्थापित है, काफी प्राचीन है और ऐसी मान्यता है कि गौण कालीन ये मंदिर है और काफी मायने रखता है ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से। लिहाजा हर साल हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान मंदिर है, यहीं पर हनुमान मंदिर सेवा समिति के द्वारा पिछले 23 सालों से लगातार विविध आयोजन किए जाते हैं। और खास बात मैं बता दूं कि पिछले 2 सालों से यहाँ 1000 टन यानी 1000 किलो का लड्डू महाप्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है और इसको बनाकर तैयार भक्तों के दर्शनों के लिए रखा गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से बनकर तैयार है 1000 किलो का लड्डू, 1 टन का महालड्डू है ये, और आगामी 6 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के दिन इसका प्रसाद वितरित किया जाएगा, जबलपुर के लोगों में बांटा जाएगा। इसे बनाने के पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है, कई दिनों की मेहनत लगती है, कई लोगों की टीम इसमें काम किया है कई लोगों की टीम ने, और उनके द्वारा ये महालड्डू बनाकर रखा गया है और 6 अप्रैल को जो है इसका प्रसाद वितरित किया जाएगा। हम आपको अगर बता दें कि इस लड्डू में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है, उसमें 350 किलो बेसन का उपयोग हुआ है, 15 किलो के आसपास इसमें मेवा लगा है, और इसके अलावा 500 किलो शक्कर का इस्तेमाल कर 1 टन का महालड्डू का को तैयार किया गया है। कुछ भक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का की मान्यता है, क्यों ये बनाया है, किस क्या मकसद है इसके पीछे और कितने लोग आते हैं। वैसे तो निरंतर यहाँ शनिवार मंगलवार भक्तों का आगमन होता रहता हैगा, और हनुमान सेवा समिति और अन्य पचमटा मंदिर पब्लिक ट्रस्ट महिला समिति मिलकर इस आयोजन को भव्यता देती है। जैसा कि आपने दर्शन किया, 1000 किलो का महालड्डू यह द्वितीय बार भगवान को अर्पण किया जा रहा है, और इसकी तैयारी 1 माह नहीं 2 माह नहीं पूरे वर्ष होती, चिंतन रहता है, चिंतन के साथ उसको समावेश कैसे किया जाए, और उसके साथ ये सुंदर डेकोरेशन भी आप देख रहे हैं। आप भी देखने आए हैं लड्डू को, आपको छोटे लड्डू तो आपने काफी देखे होंगे, इस तरह के बड़ी 1 टन का लड्डू देखकर क्या फीलिंग आती है? ये तो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि लोगों में ये उत्साह जो रहता है, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, और ये लगातार दूसरे दिन हो रहा है और दूसरी साल हो रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे कम से कम हजारों लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं इस प्रसाद को पाने के लिए, तो हम लोग में एक बड़ा ही उत्साह रहता है ये। निश्चित तौर पर जया, जैसा आपने सुना कि किस प्रकार से लोग, लेकिन जरा जल्दी से जो मंदिर से जुड़े लोग हैं उनसे ये और जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। देखिए, 1000 किलो का लड्डू जिसे बनाने के लिए काफी लोग लगे और काफी लंबे समय से भगवान का ये प्रसाद बनाया जा रहा है, भोग बनाया जा रहा है, 2 साल है इसे बनाने का, तो क्या इस परंपरा को अब इसी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, और 2 सालों से क्या 1000 किलो का लड्डू ही तैयार किया जा रहा है और उसे इसी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? इस परंपरा की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में किस प्रकार की प्लानिंग है मंदिर समिति की, क्या इस परंपरा को आगे भी बढ़ाया जाएगा, आगे भी निर्वहन किया जाएगा? निश्चित माने भक्तों का और प्रभु की कृपा रहेगी तो अनवरत इसमें नए नए सुधार होकर अच्छे कार्य किए जाएंगे। लड्डू प्रसाद के अलावा
कभी भविष्य में अच्छी कथा हनुमान महोत्सव के उपलक्ष्य में राम कथा का आयोजन भी समिति करवा सकती है और विभिन्न प्रकार के आयोजन के लिए तो समिति चिंतन रहती है। निश्चित तौर पर जया, ऐतिहासिक और काफी एक अच्छी पहल मंदिर समिति ने की है जिसको लेकर काफी दूर दूर तक चर्चाएं हो रही है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोग आते हैं, महिला पुरुष, जबलपुर के अलावा आसपास के लोग भी इस महालड्डू के दर्शनों के लिए यहां लगातार पहुंचते हैं और लगातार पहुंच भी रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहां हनुमान जी जो है अपने भक्तों की भरपूर ख्याल रखते हैं, यहां अर्जी लगती है तो उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होती है। बिल्कुल, और भगवान के पास ही तमाम भक्त पहुंचते हैं ताकि इनके तमाम जो परेशानियां हैं, इनकी जो प्रार्थना है, प्रभु हनुमान जी सुने। और देखिए 1000 किलो का ये लड्डू जो कि आप भगवान हनुमान जी को इसका भोग चढ़ाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव पर, लेकिन इसके दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद आपका वेंकटेश, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।